आखिर हनुमान जी कैसे करते हैं जगन्नाथ भगवान की रक्षा। एक बार नारद जी ने हनुमान जी को बताया कि समुद्र की आवाज के कारण प्रभु मंदिर के भीतर सो नहीं पाते हैं। तब हनुमान जी ने क्रोधित होकर समुद्र को वहां से दूर हटने को कहा। इस पर समुद्र देवता ने प्रकट होकर कहा कि मेरी आवाज तो आपके पिता पवन देव के कारण ही चारों दिशाओं में जाती है, आप उनसे विनती करें। तब हनुमान जी पवन देव से इस आवाज को रोकने को कहते हैं। तब पवन देव कहते हैं कि पुत्र यह संभव नहीं है, परंतु तुम्हें एक उपाय बताता हूँ कि तुम्हें मंदिर के आसपास ध्वनि रहित वायु कोशीय वृत्त या विवतरण बनाना होगा। हनुमान जी समझ गए। तब हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को दो भागों में विभाजित किया और फिर वह वायु से भी तेज गति से मंदिर के आसपास चक्कर लगाने लगे। इससे वायु का ऐसा चक्र बना कि समुद्र की ध्वनि मंदिर के भीतर न जाकर मंदिर के आसपास ही घूमती रहती है और मंदिर में श्री जगन्नाथ जी आराम से सोते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर।